तीन तीन बार ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन बैंक को चेंज करने के बाद आखिरकार एमपी बोर्ड को अपने स्टूडेंट्स पर दया आ ही गई और उन्होंने लेटेस्ट और फाइनल ब्लूप्रिंट जारी कर ही दिया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया स्पेशल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। जी हां, फाइनल और लेटेस्ट ब्लूप्रिंट स्पेशल इंग्लिश का भी आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज के स्टडी लेक्चर में हम बात करेंगे कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें आपको स्पेशल इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा आएगा। जी हाँ, आपको आंसर शीट में क्या क्या लिखने के लिए आएगा, क्या आपको मैसेज लिखना होगा, क्या आपको टेलीग्राम डायरी एंट्री और शॉर्ट कंपोजिशन लिखने आएगा, किस प्रकार से एसे भी पूछा जाएगा या लेटर राइटिंग, ये सब कुछ बातें हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशल इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2021 के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए, समय का ध्यान रखते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेपर पैटर्न यानी कि ब्लूप्रिंट स्पेशल इंग्लिश का कैसा होगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिड्यूस सिलेबस क्या किया गया है। जी हाँ, स्पेशल इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से, मेन बुक से कौन कौन से चैप्टर्स को माइनस किया गया है, इस टॉपिक पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर रिड्यूस सिलेबस के बारे में बताइए, तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स कट किए गए यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ, स्पेशल इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में से टोटल 6 चैप्टर, जी हाँ 6 चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। कौन कौन से 6 चैप्टर, लेसन नंबर 8 व्हाट इज कल्चर, लेसन नंबर 11 मेंडिंग वॉल, लेसन 15 जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन ए पेपरस बोट, लेसन 16 All the words at stage, lesson 17 the bait और lesson 19 if I were you। जी हाँ, ये 6 chapters यहाँ पर reduce किए गए हैं। Students, आप चाहे तो pause करके screenshot ले सकते हैं या फिर note down भी कर सकते हैं। तो ये 6 chapters से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये 6 chapters आपको पूछे भी नहीं जाएंगे। जी हाँ, इन chapters को कुछ भी इस पर मेहनत मत खर्च कीजिएगा, अपना time waste मत कीजिएगा, ये exam में आने वाला नहीं है, ये इतना reduce syllabus है। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, इन chapters के अलावा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और grammar में क्या क्या आएगा ये सब कुछ मैं आगे वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे पेपर पैटर्न के ऊपर। तो स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है, स्पेशल इंग्लिश यानी कि विशिष्ट अंग्रेजी का जो आपका पेपर पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आपका जो पूरा ब्लूप्रिंट आया हुआ है, जी हाँ, जो फाइनल ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से तो आपका पेपर पैटर्न जो पूरी तरह से 4 भागों में डिवाइडेड है। जी हाँ, जो भी आपका पेपर है, पूरा का पूरा जो आपका पेपर रहने वाला है वो सेक्शन वाइज 4 भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ, 4 सेक्शन में ऐसा बांट दिया गया है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कैसा कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहली बात, जो आपका पहला सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा आपका रीडिंग स्किल वाला। जी हाँ, रीडिंग स्किल यानी आपको पढ़ने में कैसा आता है, आपके पास कौन सी पढ़ने की स्किल है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें पढ़कर आपकी रीडिंग स्किल को टेस्ट किया जाएगा। यानी कि शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पर पैसेजेस आएंगे। जी हाँ, यहाँ आपको अनसीन पैसेज, अनसीन पोयम देगा जिसमें से आपको ढूंढ के सवालों के जवाब लिखने होंगे। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे, मैं और भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, ग्रामर के एक एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं, टेलीग्राम कैसे लिखते हैं, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पोयम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियोस बना पाऊं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो सेक्शन है वो होगा रीडिंग स्किल का। जी हाँ, सेक्शन जो होगा आपको डिफरेंट सेक्शन में पेपर बटा होता है 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन जो होगा वो रीडिंग स्किल का होगा, दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा राइटिंग स्किल का। जी हाँ, दूसरा सेक्शन जो रहने वाला है आपका वो रहेगा राइटिंग स्किल का, कि आपको लिखने में कैसा आता है, नोटिस मैसेज पैसे कुछ इसमें लिखवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन होगा ग्रामर का। जी हाँ, ग्रामर के बारे में तो आप जानते ही हैं, नरेशन स्पीच वगैरह ये सब पूछेगा आपसे और डिटरमाइनर वगैरह। उसके बाद चौथा जो सेक्शन होगा वो टेक्स्ट बुक से होगा। जी हाँ, टेक्स्ट बुक से सवाल पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला सिस्टम। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा पेपर पैटर्न बटा हुआ है। 30 मार्क्स का जो आपका आने वाला है वो क्या रीडिंग स्किल रहेगा, 30 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल रहेगा, और 15 मार्क्स का आपका ग्रामर। जी हाँ, 15 मार्क्स का आपको ग्रामर आएगा, और तो और 25 मार्क आपको टेक्स्ट बुक भी आएगा। जी हाँ, 25 मार्क का क्या आएगा, टेक्स्ट बुक। 30, 30, 60 हो गया, 60, 70, 80, 85 हो गया, और ये 15 हो गया, टोटल 100। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स आपका डिविजन बना हुआ है। ये आपका सेक्शन ए है, ये आपका सेक्शन बी है, और ये आपका सेक्शन सी है, और ये आपका सेक्शन डी है। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल, पैसेज, अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम आएंगे। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल रहेगा। जी हाँ, राइटिंग स्किल में क्या किया जाएगा, आपको एक फोटो दी जाएगी, उस फोटो को देख के कहानी लिखनी होगी, या फिर आपको छोटे छोटे सेंटेंस वर्ड दिए होंगे, उन वर्ड्स को मिला के एक पूरा पैराग्राफ लिखना होगा, या फिर नोटिस लिखने, एसे लिखने, लेटर लिखने, एप्लीकेशन लिखने, इस प्रकार की चीजें लिखने आती है राइटिंग स्किल में। क्या क्या आएगा हम फर्दर डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन को डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल आप देख लीजिए कि पेपर पैटर्न ऐसा 4 भागों में बटा होगा, ग्रामर में
माइनर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जी हाँ, इस प्रकार की जो चीजें होती है वही यहाँ पर पूछा जाता है। और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर आएंगे, जी हाँ, जो मेन चैप्टर से ड्रामा वाले, फिक्शन वाले, वो आपको पढ़ने, वहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इस प्रकार से पूरा पेपर जो है चार सेक्शन में बटा होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक सेक्शन वाइज, जी हाँ, एक एक सेक्शन वाइज बात करते हैं कि रीडिंग स्किल में क्या आएगा, राइटिंग स्किल में क्या आएगा, और ग्रामर में क्या होगा, टेक्स्ट बुक में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर वन रीडिंग स्किल की। जी, हमारा जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कितने मार्क्स का आने वाले हैं, जी हाँ 30 मार्क्स का। जैसा कि आप जानते हैं 30 मार्क्स आपको सिर्फ पढ़कर वहां से थोड़ा सा लिखना होगा, उसको 30 मार्क्स मिल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि स्टार्टिंग इसी से होती है, और इसको अगर अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और पूरा पेपर भी और अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट की, इसमें तीन अनसीन पैसेज आएंगे। जी हाँ, तीन तीन पैसेज आने वाले हैं, उन पैसेजेस को पढ़कर। अब इसमें से दो पोयम हो सकती है, एक थ्योरी वाला पैसेज हो सकता है, या फिर दो पैसेज हो सकते हैं, एक थ्योरी वाली पोयम हो सकती है। तो तीन अनसीन पैसेजेस आते हैं। एक पैसेज आएगा इसमें 150 वर्ड्स का, जी हाँ, एक आएगा 150 वर्ड का, एक आएगा आपको 200 वर्ड्स का, जी हाँ, एक जो आएगा पैसेज, दूसरा 200 वर्ड्स का, और तीसरा जो आएगा वो 300 वर्ड्स का आएगा। जी हाँ, 300 वर्ड्स का पैसेज आएगा। तो इस प्रकार से आपको तीन पैसेज या फिर उसमें से पोयम दी जाएगी, जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने होते हैं। अब इसमें भी मार्किंग स्कीम कैसी है, इसमें 2 मार्क्स के भी सवाल होंगे। जी हाँ, 2 मार्क्स के 9 सब क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, यहाँ पे 2 मार्क्स के 9 सब क्वेश्चंस आएंगे तीनों पैसेज में मिला के। और साथ ही साथ 1 मार्क्स की बात की जाए, 1 मार्क्स के टोटल 12 सब क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क के 12 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, यानी कि 2 × 9, 2 मार्क्स के 9 से 18 मार्क्स का, और 1 का 12 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, तो ये 12 मार्क्स, यानी कि टोटल 30 मार्क्स हो गए यहाँ पर। जी हाँ, तो इस प्रकार से डिवीजन होगा, यानी एक सवाल इससे 9 सवाल पूछेंगे, जिसका आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। पैसेज में से एक सवाल पूछेगा, एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन जैसा होगा, और उसमें से आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 9 सवाल ऐसे होंगे जिनके 2-2 नंबर के होंगे, और फिर 12 सवाल ऐसे होंगे, 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका रीडिंग स्किल है। तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए कि रीडिंग स्किल 30 मार्क्स का बंटवारा इस प्रकार से हुआ है, यानी 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा उसमें थ्योरी, और फिर 1 मार्क्स के, एक लाइन में या 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना होता है, तो सिर्फ 12 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 12 और 18 मिलाकर टोटल हो गया आपका कितने, 30 मार्क्स, और 3 अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें 2 पैसेज और 1 पोयम होगी, या फिर 2 पोयम 1 पैसेज हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका रीडिंग सेक्शन खत्म। अब हम बात करते चलिए दूसरे सेक्शन, जो कि है राइटिंग स्किल। तो सेक्शन ए रीडिंग स्किल की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग स्किल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को मोस्टली डिफिकल्टी यहीं पर जाती है, और जहां खासी मेहनत भी करनी पड़ती है अच्छी खासी। जी हाँ, तो उसी सेक्शन की बात कर लेते हैं और आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि क्या क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, यहाँ पर आने वाला शॉर्ट कंपोजिशन, जी हाँ, जो टोटल 5 नंबर के लिए आएगा। जी हाँ, शॉर्ट कंपोजिशन, यानी कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने बोला जाएगा, रिपोर्ट बनाने बोला जाएगा, कुछ ऐसा आएगा जिससे आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी लिखना होगा आपको शॉर्ट पैराग्राफ जैसा लिखना होगा, ठीक है। तो उसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके बाद फिर आपको नोटिस आ सकता है, या फिर मैसेज लिखने आ सकता है, या फिर टेलीग्राम या फिर पोस्टकार्ड। जी हाँ, टेलीग्राम पोस्टकार्ड आप जानते ही होंगे, टेलीग्राम यानी कि मैसेज की तरह, लेटर पोस्टकार्ड की तरह, और तो नोटिस आपने देखा होगा और मैसेज भी देखा होगा, किसी लिए मैसेज कैसे लिखना। तो ये सारी चीजें जो है ये टोटल 5 मार्क्स के लिए भी पूछी जा सकती है। जी हाँ, 5 मार्क्स इसके ऊपर भी होंगे, यानी कोई भी एक लिखने आएगा और 5 नंबर उसके ऊपर बेस्ड होंगे। अब ये नोटिस कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं, टेलीग्राम कैसे लिखते हैं, पोस्टकार्ड कैसे लिखते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, ये सब की जानकारी मैं आपको वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो यदि आप मिस करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर देना। तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं तीसरे की, वो है वर्बल, विजुअल और डायरी एंट्री। जी हाँ, वर्बल, विजुअल और डायरी एंट्री, यानी कि यहाँ पर वर्बल दैट मीन्स डायलॉग के ऊपर, आपने देखा होगा कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें कैरेक्टर लोग डायलॉग बोलते हैं, तो दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, बातचीत होगा, और उसके ऊपर आपको कुछ लिखने बोला जाएगा, शॉर्ट पैराग्राफ या मैसेज या कुछ भी ऐसा लिखने बोला जाएगा, उसको वर्बल कहते हैं। फिर आता है विजुअल, विजुअल मतलब देख के, कोई फोटो मिलेगी आपको, कोई फ्लो चार्ट बना होगा, माइंड मैप बना होगा, उसको देखकर पढ़कर आपको सवालों के जवाब लिखने होंगे या फिर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद आता है डायरी एंट्री, यानी दिन भर में जो इंसिडेंट, जो काम हुआ है, फिर वो डायरी में आपको लिखना है, यानी टॉपिक देकर बोलेगा कि अपने डायरी में इसकी एंट्री कीजिए। तो डायरी हम कैसे लिखते हैं, पर्सनल डायरी, कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, मुझे ऐसा लगा, वैसा लगा, ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं ना, वही डायरी एंट्री में आता है। तो ये टोटल कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 7 नंबर के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिए, 7 मार्क्स, पूरे एसे के बराबर इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी इतना पढ़ने से आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे तो 7 नंबर का आएगा ये। उसके बाद आने वाला है लेटर राइटिंग। जी हाँ, लेटर राइटिंग आने वाला है 5 नंबर के लिए। जी हाँ, 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लिखना आएगा। जी हाँ, पत्र लिखना आएगा, फॉर्मल लेटर आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर आ सकता है।
एप्लीकेशन आ सकती है, कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ के रखेंगे क्योंकि एमपी बोर्ड क्लारीफाई नहीं करता है, साफ साफ नहीं बताता कि वो हाँ लेटर दिया है तो एप्लीकेशन है या उसमें नहीं इंक्लूड। ठीक है, तो हमें लेटर राइटिंग की बात करनी है, एप्लीकेशन भी हम पढ़ लेंगे और इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आ सकता है पत्र लेखन, जो टोटल 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। और साथ ही साथ इसके बाद है एसे राइटिंग, जो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 7 मार्क्स के लिए। जी हाँ, पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, 4 से 5 टॉपिक देंगे, उसमें से एक टॉपिक पर आपको एसे लिखना होगा, वंडर ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, माई हॉबी, माई स्कूल, इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखने आता है। तो ऐसे अच्छा ऐसे कैसे लिखें, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। जैसे चैनल पे वीडियो बनेगी, अपलोड होगी, तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट राइटिंग स्किल की। आई होप कि आपको समझ में आया कि राइटिंग स्कूल में क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ, आपको शॉर्ट कंपोजिशन यानी कि पैराग्राफ लिखने आएगा किसी टॉपिक पर, आपको नोटिस लिखने आ सकता है, मैसेज, टेलीग्राम या पोस्ट कार्ड लिखने आ सकता है, साथ ही साथ वर्बल यानी डायलॉग्स को देखकर, विजुअल यानी फोटो को देखकर और डायरी एंट्री, इस तरह की चीजें भी आ सकती है इनमें से कोई एक। और लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग तो है ही, आप ऑब्वियसली हर बार आता है, तो इतना आपको समझ गया होगा। तो पॉज करके आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो बात होगी राइटिंग स्किल की। अब हम बात करेंगे हमारे ग्रामर की। जी हाँ, हमारा जो चौथा सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा सेक्शन जो है ग्रामर, वो हमारा सी सेक्शन होगा। सी सेक्शन में ग्रामर क्या क्या आने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ग्रामर में ज्यादा कुछ तो यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन ग्रामर हमारा कितने मार्क्स का रहने वाला है, 15 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, 15 मार्क्स का आपका ग्रामर रहने वाला है, यानी 15 नंबर आपको ग्रामर से मिलेंगे, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव यानी कि ब्लैंक्स, यानी कि आपको ब्लैंक्स देगा और बाजू में 3 ऑप्शंस देता है कैसे सॉल्व करते हैं, उसे मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए एक बार, प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्टिव जैसे आते हैं, 10 सवाल ऐसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे और ब्रैकेट में से चुन चुन के वहां भरना होगा, तो आसान रहता थोड़ा सा ये। और दूसरा आता है फिर डू एज डायरेक्टेड। जी हाँ, डू एज डायरेक्टेड में कैसा आएगा, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी एक सेंटेंस देगा, बोलेगा इनडायरेक्ट में बताओ, फिर बोलेगा कि पैसिव वॉइस दिया है एक्टिव बनाओ, एक्टिव वॉइस दिया पैसिव वॉइस बनाओ, ऐसा भी पूछ देता है। या फिर रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग जीरण, इस प्रकार के सवाल पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके सवाल रहेंगे 10 मार्क्स के, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के। फिर आएगा डू एज डायरेक्टेड, इसके रहेंगे टोटल 5 मार्क्स के। जी हाँ, इसमें रहेंगे टोटल कितना, 5 मार्क्स, और कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 1 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलने वाले। तो ये आपका ग्रामर का सेक्शन हो गया। जी हाँ, ग्रामर सेक्शन 15 मार्क्स का है, उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं यानी कि 10 ब्लैंक्स देता है और 10ों में भरना पड़ता है, ब्लैंक्स ऑप्शन दिए रहते हैं ब्रैकेट में, उसमें से चूज करके भरो, इसे ऑब्जेक्टिव बोला गया। फिर आता है डू एज डायरेक्टेड, जो करने बोला हो गया, यानी कि एक सेंटेंस दिखेगा बोलेगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओ, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसको बोलेगा पैसिव वॉइस में बनाओ, या एक सेंटेंस दे रहेगा बोलेगा इसको शुद्ध करके यानी कि करेक्ट फॉर्म में लिखो, या फिर जीरण इस्तेमाल करके सेंटेंस को रिराइट करो, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। डू एज डायरेक्टेड कैसे करते हैं, या आप चाहे तो वीडियो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों सेक्शन। जी हाँ, यानी कि रीडिंग स्किल भी होगा, राइटिंग स्किल भी होगा, तीसरा ग्रामर का सेक्शन भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की, टेक्स्ट बुक की, यानी कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा। तो चलिए बात हम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन की, जो कि है टेक्स्ट बुक से, यानी हमें बुक में से जो लेसन है, चैप्टर्स हैं, उसमें से क्या क्या पढ़ना है, वहां से क्या क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, दो एक्स्ट्रैक्ट आएंगे पोएम्स से। जी हाँ, कोई भी दो पोएम आपके चैप्टर में, जितने भी पोएम्स दी हैं जो रिड्यूस नहीं हुई हैं, उनमें से कोई दो पोएम का स्टैंजा उठा कर देंगे और उसमें सवाल पूछेंगे। उसमें भी सवाल कैसे पूछेंगे, उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मार्क्स कितना, 2 मार्क्स। फिर 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन। जी हाँ, वो कितना होगा टोटल मार्क्स, 2 2 = 4। जी हाँ, तो 4 मार्क्स का ये सेम पैटर्न यहां भी लागू होगा कि यहां भी 1 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2 मार्क्स यहां से हो गए और फिर 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के। ठीक, तो यानी हर पोएम के स्ट्रैक में से एक स्टैंजा देगा, उस स्टैंजा में 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, यानी और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 4 सवाल होंगे और 4 सवाल पे इस तरह से मार्क। और इस प्रकार से फिर यहां भी मार्किंग सीखे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और उसके बाद 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 पोएम की एक्सट्रैक्ट आएगी, यानी पोएम तो आपको सारी की सारी पढ़नी ही भाई, क्योंकि पोएम से आपको इतने मार्क्स मिलने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है एक क्वेश्चन ड्रामा से। जी हाँ, जो ड्रामा वाला चैप्टर है, यानी कि जिसमें कैरेक्टर्स है, जिसमें की कहानी के पात्र है, उस प्रकार के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा टोटल 5 नंबर का। जी हाँ, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोज में से, जी हाँ, प्रोज में से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितना हो गया, 4 2 = 8 मार्क्स। जी हाँ, यानी कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे प्रोज वाले से, जो आपको लिखने पड़ते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 30 वर्ड्स में उनके जवाब लिखने पड़ते हैं, यानी आपको चैप्टर्स से उठाकर देगा। जी हाँ, जितने भी लेसन है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम में से 2 पोएम देगा, 2 स्टैंजा उठा के देगा, दोनों में से लिखने पड़ेंगे।
ड्रामा वाले चैप्टर से एक सवाल आएगा 5 मार्क्स का लॉन्ग। उसके बाद फिर 4 क्वेश्चंस होंगे प्रोज से, प्रोज यानी कि जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, यानी 8 मार्क्स के आपको क्या मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जवाब आपको लिखने हैं, यानी 30-30 वर्ड्स में उनके जवाब लिखने हैं। उसके बाद आएगा 1 क्वेश्चन फ्रॉम वर्कबुक, जी हाँ वर्कबुक से एक क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का, जी हाँ 4 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 4 मार्क्स हो गए, जी हाँ। तो इतने मार्क्स का भी सवाल पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से 25 नंबर का सवाल आएगा पूरा का पूरा, यानी 2 पोएम पढ़िए उन पोएम में से 4 इतने नंबर के सवाल आएंगे, 1 क्वेश्चन ड्रामा वाला चैप्टर से पढ़िए लॉन्ग आएगा 5 नंबर देखा जाएगा सीधा। उसके बाद फिर प्रोज यानी कि बाकी चैप्टर ड्रामा छोड़ के दूसरे चैप्टर्स में से भी 4 सवाल पूछेंगे 2-2 नंबर के, यानी 8 मार्क्स के सवाल, और 1 क्वेश्चन पूछेगा कहां से, वर्कबुक से, जी हाँ। तो ये क्वेश्चन जो वर्कबुक का होगा 4 मार्क्स का होगा, तो आपको वर्कबुक को निगलेक्ट नहीं करना है, वो भी पढ़ना है, वर्कबुक से भी सवाल पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा स्पेशल इंग्लिश का पूरी तरह से ब्लूप्रिंट, जी हाँ। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, या फिर पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज और वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो स्पेशल इंग्लिश के ब्लूप्रिंट को लेकर, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पीस।